दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं लेखक करण द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि जीवन में सरलता का क्या महत्व है। सरल होना हर व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है। यह कहानी है सुकर्मा की, जो बहुत ही सीधा साधा लड़का था, लेकिन उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, जिसके लिए सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसके बाद सुकर्मा के साथ क्या हुआ जानने के लिए चलते हैं सुकर्मा जी के गांव शब्दों की राह से। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं।
मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। गंधार देश में चंद्रपुर नाम का एक गांव था। कहा जाता है कि यह गांव भगवान शिव के आशीर्वाद के चलते बना था, इसलिए यहां के सभी लोग भगवान शिव में बहुत आस्था रखते थे। भगवान शिव की भक्ति के चलते सारा गांव सोमवार का व्रत रखता था। गांव में व्रत रखने की परंपरा ऐसी थी कि राजा से लेकर प्रजा तक हर कोई सोमवार को शिव व्रत में हिस्सा लेता। गांव में एक प्राचीन शिवलिंग था जिसकी मान्यता दूर दूर के गांव में फैली हुई थी। कहा जाता था कि उस शिवलिंग में भगवान शिव स्वयं समाये हुए हैं। लोग दूर दूर के गांव से यहां आते और पूजा अर्चना करते हुए भगवान शिव के सामने अपना सारा हाल सुनाते। इसके बाद पंडित जी से प्रसाद लेते और खुशी खुशी अपने घर रवाना होते थे। मंदिर की मान्यता ऐसी थी कि दूर दूर से संत, महापुरुष और साधु भी यहां दर्शनों के लिए आते थे। प्रत्येक सोमवार को मंदिर में बहुत ही चहलकदमी देखने को मिलती थी। लोग अपनी इच्छा अनुसार यहां भेंट लिए आते और भगवान शिव से वरदान भी मांगते। इसी गांव में नीलमद और उत्तरा नाम के गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। गांव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनका परिवार भी सोमवार को भगवान शिव के नाम का व्रत रखता था। वे दोनों सारा दिन मेहनत मजदूरी करते और जो भी रूखा सूखा कमाते भगवान शिव को भोग लगाकर ही खाते थे। उनका एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम था सुकर्मा। गोल मटोल शरीर, मोटी मोटी आंखें, काले घुंघराले बाल और साधारण बच्चों से थोड़ा ज्यादा वजन लेकर पैदा हुए उनके पुत्र सुकर्मा को बचपन से ही ज्यादा भोजन करने की आदत थी। अपनी दूध पीने की आयु में वह साधारण बच्चों से बहुत अधिक दूध पीते थे। उसके माता पिता उसके अधिक भोजन खाने की आदत से अनजान थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुकर्मा बड़ा होता चला गया और बड़े होने के साथ साथ वह सारे गांव की आंखों का तारा भी बनता गया। और बनता भी क्यों ना, वह बचपन से ही बहुत भोला और सीधा साधा लड़का था। उसके इस सीधे और सरल व्यवहार के चलते गांव के सभी लोग उससे अपना अपना मतलब निकालते थे।
कोई उससे अपने खेतों में पानी डालने को कह जाता, तो कोई गांव भर में दूध बांटने के लिए कह जाता। और सुकर्मा, वो भगवान शिव का नाम लेकर बिना किसी को शिकायत किए सभी का काम कर देता था। सुकर्मा एक गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का था और ऐसे गांव में पैदा हुआ था जहां हर सोमवार को भगवान शिव के नाम का व्रत रखने की परंपरा थी। लेकिन सुकर्मा के चलते ब्राह्मण परिवार में यह परंपरा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसका कारण था सुकर्मा की भूख। सुकर्मा को भूख बहुत लगती थी, क्या यूं कहें कि वह भूख बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। जब भी उसे भूख लगती तो पेट में जैसे चूहे कूदने लगते। भूख से उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते थे और कुछ ही देर में उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। इतना ही नहीं, जैसे ही कोई उसके सामने खाने की वस्तु का नाम भी लेता था तो उसके मुंह में पानी आ जाता था। उसे भोजन से इतना प्रेम था कि जब भी उसके खाने का समय होता था वह आव देखता था न ताव, हाथ धोकर सीधा खाने के लिए बैठ जाता था। फिर चाहे भोजन बना हो या ना बना हो, उसे खाने की वस्तुओं से इतना प्रेम होने लगा कि सिर्फ उनकी महक और उनके दर्शन मात्र से भी उसे आनंद की प्राप्ति होने लगती थी। ऐसे हाल में गांव और परिवार की व्रत रखने वाली परंपरा उससे ना संभाली गई। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाया कि भगवान शिव का व्रत रखना उनके घर की ही नहीं बल्कि सारे गांव की सदियों पुरानी परंपरा है। मां ने कहा, बेटा हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान शिव ने हमें इस गांव में जन्म दिया। इस भूमि पे स्वयं भगवान शिव पधारे थे और यहां के महाराज को वरदान दिया था कि जब तक वह मंदिर के पावन शिवलिंग की सेवा करते रहेंगे उनका यह गांव हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। तभी से राजा के साथ साथ सारी प्रजा भी शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार के दिन उनके लिए उपवास करती है। इस पर सुकर्मा कहता, लेकिन मां मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। भगवान तो कहते हैं कि भूखे पेट की भूख शांत करना पुण्य का काम है, और वैसे भी मां शिव जी ने तो स्वयं राजा को पवित्र शिवलिंग की सेवा के लिए कहा था। बाकी लोग तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगने के लिए भी पवित्र सोमवार का व्रत रखते हैं। इतना सुनकर ही मां ने कहा, अच्छा तुम ये कैसे कह सकते हो? सुकर्मा ने बताया कि अरे मां, जब मैं मंदिर प्रसाद लेने गया था तो मैंने छुपकर पंडित जी की आवाज को सुना था। वो पवित्र शिवलिंग से कह रहे थे कि प्रभु मैं इसी तरह आपके व्रत का पालन करूंगा और आप मुझ पर इसी तरह कृपा करते रहिएगा। मां ये तो गलत है ना, प्रेम और भक्ति तो निस्वार्थ होनी चाहिए, इनमें तो स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। सुकर्मा की इस तरह की बातें सुनकर
माँ उसके तथ्यों के आगे खुद को असहाय महसूस करती है और प्रार्थना करती है, भोलेनाथ इस भूले पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा नहीं था कि सुकर्मा हमेशा खुद ही भोजन करता था, उसे दूसरों को भोजन करवाना भी उतना ही पसंद था जितना कि खुद भोजन खाना। जब भी वह रास्ते में कोई गरीब या मजबूर भूखा भिखारी या मांगने वाले को देखता तो उसका पेट पालने के लिए हर संभव प्रयास करता। अगर कहीं से खाने का इंतजाम हो जाता था तो ठीक, नहीं तो जंगल में जाकर आम या अमरूद के पेड़ों पर लगे फलों से उन मजबूर मांगने वालों के लिए फल लाता और उनका पेट भरता। हालांकि इस जद्दोजहद में वह अपने लिए भी कई फल बचा लेता, लेकिन जरूरतमंदों के पेट की भूख भी शांत कराता था। इसके लिए उसे गरीब मजबूर बुजुर्गों से खूब प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता। वह थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसके माता पिता को समझते जरा भी समय नहीं लगा कि उनका पुत्र सुकर्मा बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता है। इसलिए उसके माँ उसके लिए घर में हमेशा ही कुछ ना कुछ बनाकर ही रखकर खेतों में काम करने जाती थी। दूसरी ओर जब गांव वालों ने सुकर्मा को व्रत वाले दिन यानी सोमवार के दिन भी भरपेट भोजन करते हुए देखा तो उन्हें पता चल गया कि सुकर्मा भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता, जिसके चलते अब सुकर्मा की आयु के बच्चे उसके साथ खेलते समय भी उसे चिढ़ाने लगे थे। जब सुकर्मा की माता को पता चला कि उसकी भूख ना बर्दाश्त करने वाली आदत के चलते सारा गांव उसका मजाक बनाता है, उसे तंग करता है, तो मां ने उसे गांव के गुरुकुल में भेजने की सोची, जहां श्री गोरखनाथ जी बच्चों को धर्म और शास्त्र का ज्ञान देते। उनके आश्रम में अनुशासन और संस्कार दोनों ही सर्वोपरि थे। प्रार्थना के समय प्रार्थना, व्यायाम के समय व्यायाम, शिक्षा के समय शिक्षा, काम के समय काम और भोजन के समय भोजन। उनके गुरुकुल के छात्रों की यही दिनचर्या थी। जब मां सुकर्मा को गुरु जी के आश्रम में ले जा रही थी तो सुकर्मा के एक हाथ में आम और दूसरे हाथ में अमरूद थे। गुरु जी ने जैसे ही सुकर्मा को देखा तो देखते ही समझ गए कि वह गांव का वही बच्चा है जिसके भोजन की चर्चा सारे गांव में है। गुरु जी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सुकर्मा ने आम खाते खाते उत्तर दिया, सुकर्मा। गुरु जी ने पूछा, बता सकते हो कि संसार में सबसे अधिक आवश्यकता किस वस्तु की है? सुकर्मा ने उत्तर दिया, मुनिवर, भगवान शिव द्वारा बनाई गई हर वस्तु ही इस संसार में अति आवश्यक है।
किसी के लिए कुछ आवश्यक है तो किसी के लिए कुछ और। जैसे शेर के लिए बकरी आवश्यक है और बकरी के लिए घास, ऋषियों के लिए भक्ति और ज्ञान आवश्यक है और योद्धाओं के लिए शस्त्र, आपके लिए नवीन ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है और मेरे लिए यह आम और यह अमरूद। सुकर्मा की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुरा उठे और हंसते हुए कहने लगे, इस संसार में उससे भी अधिक है सरल होना। जो सरल होता है उसे हर कोई समझ सकता है, और जो कठिन होता है उसे समझना मुश्किल होता है। अरे हां, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आम और अमरूद सरल है इसीलिए उन्हें पेड़ों से तोड़ना भी सरल है, लेकिन खजूर, खजूर सरल नहीं है इसीलिए उसे खाना भी कठिन है। यह बात सुनकर गुरुजी फिर से हंसने लगे। इसके बाद सुकर्मा की मां उसे गुरुजी के आश्रम में छोड़ते हुए चली गई। वह मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि हे भोलेनाथ, मेरे भोले सुकर्मा पर कृपा करना। दिन गुजरे और सुकर्मा की शिक्षा आरंभ हुई। इस नई दिनचर्या के हिसाब में खुद को ढालने के लिए सुकर्मा को कुछ दिन तो बहुत परेशानी हुई, लेकिन बाद में उसे आदत पड़ गई। वह गुरुजी से सिखाए हुए सभी श्लोक याद रखता, हर आज्ञा का पालन भी करता, समय पर उठता, पूजा पाठ करता, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान भी लेता और फिर जी भर के भोजन भी करता। वह बहुत खुश था क्योंकि यहां कोई नहीं था जो भोजन के लिए उसे खाने से मना करता। समय गुजरा और सोमवार के व्रत का दिन आया। आज सुकर्मा सुबह से ही घबराया हुआ था। वह सोच रहा था कि वह व्रत कैसे रखेगा। सो उसने गुरुजी को पहले ही अपनी कमजोरी बता दी। उसने कहा, गुरुजी, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं व्रत नहीं रख सकता क्योंकि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मेरी इसी कमजोरी के चलते गांव के सभी लोग मुझे तंग करते थे और इसी वजह के चलते मां भी मुझे आपके पास यहां आश्रम में छोड़ आई, ताकि ज्ञान के साथ साथ मुझे व्रत रखने की भी शिक्षा भी मिल सके। लेकिन गुरुजी, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, पुत्र, बस इतनी सी बात? यह तो महादेव की इच्छा पर निर्भर करता है कि कौन व्रत रखेगा और कौन नहीं। यदि तुम व्रत नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम भर पेट भोजन खाओ और अपना कार्य समय पर करो। लेकिन गुरुजी कहते कहते रुक गए। लेकिन क्या गुरुजी? सुकर्मा ने विनम्रता से पूछा।
लेकिन आज तो आश्रम में साथ साथ सभी विद्यार्थियों का व्रत है, इसलिए आश्रम में आज भोजन नहीं बनेगा। अगर तुम्हें भोजन खाना ही है तो तुम्हें अपने लिए भोजन स्वयं तैयार करना पड़ेगा, वो भी नदी के पार जाकर। तुम यहां से राशन आदि ले जाना और नदी के पार भोजन बनाकर जी भर के खाना। और हां, एक बात का खास ध्यान रखना, भोजन करने से पहले महादेव को भोग जरूर लगा देना। गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, सुकर्मा गुरुजी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और आश्रम के नियम अनुसार ही कार्य करने में लग गया। चूंकि आज सभी का व्रत था, इसलिए आश्रम में भोजन नहीं बना, जिसके चलते सुकर्मा को सारा दिन भूखा रहकर ही गुजारना पड़ा। लेकिन उसके दिल में इस बात की ज्यादा खुशी थी कि उसे शाम को ढेर सारा भोजन खाने को मिलेगा। सो जैसे तैसे उसने सारा दिन गुजारा और जैसे ही सूर्यदेव अस्त होने के लिए समुद्र के गर्भ में धारण होने के लिए निकले, सुकर्मा ने भी गुरुजी से आज्ञा ली और खाने की सामग्री बर्तन आदि लेकर नदी पार करने के लिए कश्ती में सवार हो गया। मन में खाने की चाह के चलते उसने कब नदी पार की उसे पता ही नहीं चला। जंगल पहुंचते ही उसने सारी सामग्री और बर्तनों को कश्ती से उतारा और कश्ती को एक किनारे पर लगे पेड़ से बांध दिया। फिर उसने यहां वहां से पहले पत्थर इकट्ठे किए। धीरे धीरे उसने चूल्हा तैयार किया और सूखे पत्तों की मदद से चूल्हे में आग जलाई। इसके बाद धीरे धीरे मीठी मीठी आग के सेक पर खाना तैयार होने लगा। उसका मन बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने अपने लिए ढेर सारा खाना बनाया था। अकेले सुकर्मा ने अपने लिए दो लोगों का खाना तैयार किया था। जैसे ही खाना तैयार हुआ, सुकर्मा के मुंह में पानी भर आया। खाने की ताजी ताजी महक ने उसके अंतर मन के तार तक छेड़ दिए थे। उसने नदी से एक मटके में जल भर लिया और गर्मा गर्म भोजन थाली में परोस दिया। जैसे ही उसने भोजन खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई कि खाने से पहले भगवान शिव को भोग जरूर लगा देना। सुकर्मा ने सोचा, पहले भगवान शिव को भोग लगा देता हूं, फिर मजे से भोजन का आनंद लूंगा। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु आइए और भोजन का भोग लगाइए। उसने दूसरी बार फिर यही प्रार्थना की। तीसरी बार जैसे ही उसने भगवान शिव को पुकारा, भगवान शिव मां पार्वती के साथ उनके सामने प्रकट हो गए।
सुकर्मा ने भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रणाम किया और मन ही मन भगवान से कहने लगा कि प्रभु, यह क्या? मैंने तो केवल आपको ही निमंत्रण दिया था, लेकिन आप माँ पार्वती को भी लेकर आ गए। यदि आपको उन्हें लेकर आना ही था तो मुझे पहले ही बता देते, जहां मैंने आपके लिए भी भोजन तैयार किया मैं उनके लिए भी कर देता। मन ही मन में इतनी बात कहने के बाद सुकर्मा ने सोचा कि अगर वो केवल महादेव को भोजन देगा और मां पार्वती जी को नहीं देगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उनसे अपने हिस्से का भोजन मिलाकर मां पार्वती और महादेव जी को भोजन करवा दिया। भक्त के हाथों भोजन ग्रहण कर भगवान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उस रात सुकर्मा को बिना भोजन किए ही रात गुजारनी पड़ी। सुबह जैसे ही वह आश्रम पहुंचा तो गुस्से के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और अगले सप्ताह फिर सोमवार आया और गुरुजी ने उसे फिर नदी पार करके अपना भोजन स्वयं पकाकर खाने की सलाह दी। सुकर्मा पिछले सप्ताह का हाल जानता था कि किस तरह उसे भूखे ही सोना पड़ा था, इसलिए जैसे ही उसे गुरुजी ने कहा कि भोजन करने से पहले महादेव को भोग लगाना ना भूलना, उसने तुरंत गुरुजी से कहा कि महाराज, इस बार थोड़ी अधिक भोजन सामग्री दे दीजिए। पिछली बार भोजन खाने से पहले मैंने भगवान शिव को भोजन करने के लिए कहा था, लेकिन वो अपने साथ मां पार्वती जी को भी लेकर आ गए थे। उन्हें भोजन खिलाने के चलते मुझे भूखा ही सोना पड़ा था। गुरुजी को लगा कि इस नादान को अधिक भोजन करने की आदत है, शायद अधिक भोजन सामग्री मांगने में इसे संकोच हो रहा है, इसलिए भगवान के नाम पर मांग रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और उसे इस बार पहले से ज्यादा भोजन दे दिया। सुकर्मा ने फिर भोजन सामग्री और बर्तनों को उठाया और नदी पार करने के लिए कश्ती में सवार हो गया। सुबह का भूखा सुकर्मा इस बार नई उम्मीद से भोजन पकाने में लगा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि इस बार अपने साथ साथ भगवान शिव और मां पार्वती जी के लिए भी भोजन तैयार करूंगा और उनके साथ मिलकर खाऊंगा। धीरे धीरे मीठे मीठे सेक पर भोजन तैयार हुआ। इस बार उसने पहले ही 3 थालियां सजाकर रख ली और खाने से पहले भगवान शिव और मां पार्वती जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आइए और भोग लगाइए। उसने जैसे ही प्रार्थना की भगवान शिव प्रकट हो गए, लेकिन ये क्या? इस बार भी भगवान शिव को देखकर सुकर्मा उदास हो गया, क्योंकि भगवान इस बार मां पार्वती जी के साथ साथ अपने पुत्र भगवान गणेश जी को भी साथ ले आए थे। उसने मन ही मन सोचा कि वह भगवान शिव को इस बार शिकायत कर ही देगा कि प्रभु, आपको पहले सूचित करना चाहिए था कि कितने लोगों का भोजन तैयार करना है,
फिर उसने सोचा कोई बात नहीं और अपने हिस्से का भोजन इस बार भगवान गणेश को अर्पित कर दिया। इस तरह शिव परिवार को भोजन करवाते हुए उसे इस सोमवार भी भूखे पेट ही सोना पड़ा। अगले दिन वह फिर आश्रम में आया और दिनचर्या के हिसाब से अपने कार्यों में जुट गया। समय गुजरा और फिर सोमवार आ गया। गुरुजी ने फिर उससे नदी पार जाकर भोजन पकाने और खाने के लिए कहा। साथ ही गुरुजी ने कह दिया कि भगवान को भोग लगाकर ही खाना खाना। सुकर्मा जानता था कि किस तरह से उसे पिछली बार भी भूखा सोना पड़ा था। उसने गुरुजी से कहा कि महाराज, इस बार आप कच्चे राशन की पूरी बोरी ही दे दीजिए। पिछली बार मां पार्वती जी के साथ साथ भगवान गणेश भी भोग लगाने के लिए आ गए थे और मुझे भूखा ही सोना पड़ा था। इस बार गुरुजी का संदेह हुआ कि कहीं सुकर्मा भगवान के नाम पर आश्रम का भोजन बाहर बेच तो नहीं रहा। इस संदेह को पूरी तरह जानने के लिए गुरुजी ने सुकर्मा को राशन की बोरी थमाते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सुकर्मा ने राशन और बर्तन कश्ती में रखे और नदी पार करके सारा राशन एक ओर इकट्ठा किया। इसके बाद उसने कश्ती एक ओर बांध दी। इस बार सुकर्मा ने अपना दिमाग चलाया और भोजन तैयार करने से पहले ही भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें बुला लिया। जैसे ही भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट हुए, सुकर्मा उन्हें देख बहुत खुश हुआ और वे सुकर्मा को देखकर हैरान रह गए। सुकर्मा खुश इसीलिए हुआ क्योंकि वे जानता था कि हर बार की तरह प्रभु के साथ इस बार फिर कोई ना कोई तो जरूर ही आएगा और इस बार प्रभु मां पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भक्त नंदी और आदि शिव गणों के साथ आए थे। दूसरी तरफ भगवान शिव जी ने सुकर्मा से पूछा, क्यों पुत्र, इस बार तुमने बिना भोजन तैयार किए ही हमें बुला लिया? जैसे ही भगवान शिव ने सुकर्मा से यह प्रश्न पूछा, सुकर्मा ने बड़े ही भोलेपन से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपको जब जब भी भोजन करने के लिए बुलाता हूं, आप अपने साथ साथ किसी ना किसी को ले ही आते हैं, जिसकी वजह से मुझे समझ ही नहीं आता कि भोजन कितने लोगों के लिए तैयार करना है। इस वजह से मुझे हर बार भूखा ही सोना पड़ता है। इसीलिए आज मैंने आपको पहले ही बुला लिया ताकि आप स्वयं अपने लिए भोजन तैयार करें, खुद भी खाएं और मुझे भी खिलाएं। सुकर्मा की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा उठे और सभी से भोजन पकाने के लिए कह दिया। कुछ गण नदी से पानी लाने चले गए और मां पार्वती जी भोजन पकाने में व्यस्त हो गई। भगवान गणेश और शिव जी सब्जी काटने लग गए और नंदी महाराज बाकी सभी का हाथ बटाने में लग गए।
सुकर्मा बहुत खुश हो रहा है। गुरुजी सब कुछ देख रहे थे, उन्हें सुकर्मा के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। उन्होंने सुकर्मा से कहा, बेटा तुम किससे बात कर रहे हो, यहां तो कोई नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर सुकर्मा परेशान हो गया और उसने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे, गुरुजी तो बहुत ज्ञानी हैं, मुझे जो कुछ भी सिखाया है गुरुजी ने ही सिखाया है। तब भगवान शिव कहते हैं कि सुकर्मा तुम बहुत सरल हो, इसीलिए हम तुम्हें सरलता से नजर आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी ऐसे नहीं हैं। सुकर्मा ने गुरुजी को भगवान की सारी बात सुना दी। इतना सुनकर ही गुरुजी सुकर्मा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, सुकर्मा तुम्हारी मुझ पर बहुत कृपा होगी यदि तुम मुझे भगवान शिव के दर्शन करवा दो। गुरुजी को पैरों में देख सुकर्मा की आंखें भीग गई और उसने भगवान शिव से उन्हें भी दर्शन देने की विनती की। भगवान ने सुकर्मा की प्रार्थना का मान बढ़ाया और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस प्रकार सुकर्मा के साथ साथ गुरुजी को भी ज्ञात हो गया कि जीवन में सरल होना कितना आवश्यक है। आपने यह कहानी सुनी, अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं। समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।